अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, जब भी आप मार्केट में इन्वर्टर ख़रीदने जाए ना, या कोई डीसी कंट्रोलर ख़रीदने जाए, तो आप इस बात का लाजमी ख्याल रखें कि वो जो इन्वर्टर हो, इस इन्वर्टर में जो चार्जर हो वो MPPT हो। ठीक है, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये है इन्वर्टर का 1.2 का, इसके अंदर जो चार्जर है यानी जो डीसी वोल्टेज बनाता है प्लेटों से, वो है MPPT में। ठीक है, और वो जो लगा हुआ है ये डीसी कंट्रोलर, ये है PWM में। ठीक है, मैं एक आपको सादी सी मिसाल देकर समझाता हूँ। ये इसके साथ मैंने तकरीबन 1000 वाट के सोलर पैनल अटैच किया हुआ है। ये 1000 वाट में से MPPT होने के बावजूद ये सिर्फ 700 वाट तक ये जनरेट करता है। ठीक हो गया, जबकि अगर PWM की अगर मैं बात करूँ तो ये अगर इसके साथ मैं 1000 वाट के लगा भी दूँ तो ये सिर्फ क्रिएट करेगा 400-450 तक। यानी इसका जो चार्जर है ये कमज़ोर होता है PWM का, और ये जो MPPT होता है ये थोड़ा अच्छा किस्म का चार्जर होता है। सही है, तो आप जब भी ख़रीदने जाए मार्केट में तो कोशिश कीजिए MPPT चार्जर ख़रीदें। अस्सलामुअलैकुम।